रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। जेपीटी के कमीशन में बीएड धारकों के बैठने और टेट योग्यता देने को लेकर जेपीटी प्रशिक्षुओं ने सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल दिया है। हमीरपुर में जेपीटी प्रशिक्षु शिक्षकों ने अपने हक की मांग को लेकर गांधी चौक पर एकत्रित होकर नारेबाजी की तो रैली निकालकर डीसी कार्यालय तक गए और डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भी भेजा। जेबीटी के कमीशन में बीएड धारकों की बैठने और टेट योग्यता देने को लेकर जेबीटी प्रशिक्षुओं ने सड़क पर उतरकर हल्ला बोल दिया है। हमीरपुर में जेबीटी प्रशिक्षुओं ने अपने हक की मांग को लेकर गांधी चौक पर एकत्रित होकर नारेबाजी की तो रैली निकालकर डीसी कार्यालय तक गए और डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भी भेजा। जेबीटी प्रशिक्षुओं की मांग है कि जेबीटी पदों पर जेबीटी प्रशिक्षु ही नियुक्त किए जाएं और अगर ऐसा नहीं किया गया तो जेबीटी प्रशिक्षु सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने बताया कि बीएड वालों को जेबीटी टेट की सुविधा दे दी है जो कि पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि इससे जेबीटी प्रशिक्षुओं का कोर्स बेकार हो गया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि आज रैली के माध्यम से सरकार के सामने मांग को रख रहे हैं ताकि जेबीटी प्रशिक्षुओं के साथ अन्याय ना हो। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने मांग करते हुए कहा कि गरीब परिवार के छात्र भी जेबीटी कर रहे हैं लेकिन इस तरह बीएड धारकों को भी जेबीटी टैट किए जाने से जेबीटी प्रशिक्षुओं को कभी भी रोजगार नहीं मिल पाएगा। इसलिए सरकार से मांग की जा रही है कि जेबीटी पदों के लिए जेबीटी प्रशिक्षुओं को भी नियुक्त किया जाए। पता नहीं किस आर्टिकल के तहत कोर्ट ने बीएड वालों को जेबीटी के कमीशन के सिर्फ 6 बंदों को मान्यता दी थी जेबीटी के कमीशन में बैठने के लिए। फिर पता नहीं कहां से 30,000 बंदा बीएड का जेबीटी के कमीशन में बैठता है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि किस तरह से जेबीटी वालों के साथ बेइंसाफ हो रहा है और आज सब अपने हक के लिए यहाँ खड़े हैं। आरटीई में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि बीएड वाले जेबीटी के कमीशन में बैठ सकते हैं। हाँ, पर उन स्टेट में ये जरूर है जहाँ पे जेबीटी का डिप्लोमा या डीएलडी की डिप्लोमा नहीं है वहाँ पे बीएड वाले जेबीटी के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। पर हमारे स्टेट में लगभग 10,000 छात्र जेबीटी का बेरोजगार है जो मजदूरी कर रहा है या तो प्राइवेट जॉब कर रहा है सिर्फ 2 वक्त का खाना खाने के लिए और कईयों ने तो अपनी आस भी छोड़ दी है। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अब हमें अपना हक चाहिए और अतः मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में इतना ही कहना चाहूँगा सभी जेबीटी साथियों का, देश तथा प्रदेश के पूरे जेबीटी साथियों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मेरे वतन के साथियों ये रुसवाई किस बात की है, ये अपने हक की लड़ाई है, इसमें भी लापरवाही किस बात की है। स्पष्ट है हम कोशिश, जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता हम कोशिश करते रहेंगे। सर हम इसके बाद सचिवालय के बाद भी रैली करेंगे और आज हम सभी यहाँ पे जेबीटी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के जेबीटी प्रशिक्षु यहाँ इकट्ठे हुए हैं डीसी मैम को हमारा मांग पत्र सौंपने के लिए कि पहले जो था वो जेबीटी पदों पर सिर्फ जेबीटी प्रशिक्षु ही अपॉइंट किए जाते थे लेकिन अब जो है वो बीएड होल्डर्स भी हमारी पोस्ट को फिल कर रहे हैं। तो इसी के लिए हम जो चीफ मिनिस्टर साहब को जो हम चिट्ठी देंगे वो हम डीसी के थ्रू देंगे और उनसे मांग करेंगे कि अपनी कैबिनेट में ये फैसला लिया जाए कि जेबीटी पोस्ट पे ओनली जेबीटी होल्डर्स ही फिल किए जाएं। फिर भी कर रहे हैं और ब्रिज कोर्स वाले जो हमारे उसमें लेके आए हो वो भी है और दूसरा बीएड को हमारे उसमें नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं अपनी सरकार के साथ अभी ज्ञापन पत्र डीसी ऑफिस में देने के लिए और हमारी सरकार के साथ यही मांग है कि आप हमें अपना हक दिलवाने में जो है वो हमारी हेल्प करें। और अभी आप भी देखिए कितनी हम गरीब फैमिली कितने सारे लोग हैं जो इतने फीस नहीं दे पाते हैं और गरीब फैमिली से भी जो कुछ बच्चे जो हैं वो जेबीटी कर रहे हैं तो हमें अपना हक चाहिए और हम अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं सरकार से और गुजारिश करते हैं कि वो हमें अपना हक दिलाएं। हम अपनी मांगों को लेके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं जैसे कि बीएड वालों को टैट की जेबीटी टैट की एलिजिबिलिटी दे दी है कि वो कर सकते हैं बट ये बिल्कुल गलत है। तो हम अगर वो कर सकते हैं तो फिर हम जेबीटी क्यों कर रहे हैं, हमारा कोर्स तो बेकार हो गया। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी सारे ग्रेजुएट हैं यहाँ पे जो जेबीटी कर रहे हैं तो हम भी फिर जो टीजीटी के लिए उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो गलत है, हम मतलब अपनी मांगों को सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं ताकि उन पर कोई कार्यवाही हो और हमारी मतलब मांगे जो पूरी हों।
बता दें कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो लोग बीएड कर चुके हैं वे जेबीटी टेट के लिए योग्य हैं और अब जेबीटी के पदों के लिए बीएड धारक आवेदन कर सकते हैं, जिसके चलते ही जेबीटी प्रशिक्षु उग्र हो गए हैं और सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए हैं।